धारचूला अनुमंडल के बंगाल सीमा से सटे चाकोलिया में 80 जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। साथ ही आसपास के गांव अमलागोड़ा, नीमडी और नालीडीही में भी अपना डेरा जमाए हुए हैं, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीण रात भर जागकर अपने घर और खेत की रखवाली कर रहे हैं। सूचना के बाद वन विभाग की QR की टीम जंगली हाथियों को भगाने का प्रयास कर रही है, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। तो हाथियों का आतंक लगातार देखने को मिलता है और घाटशिला में इस बार करीब सैकड़ों की संख्या में ये हाथी है जो जंगली हाथी गांव में घुस आए हैं और गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। रात भर जागकर वो अपने घर की, अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं। वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है और हाथियों को खदेड़ने का काम भी वो कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एक लाइन में सभी हाथी चले जा रहे हैं और इसी वजह से गांव के जो लोग हैं वो दहशत के माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि हाथियों का तांडव लगातार ये झेल चुके हैं। घरों को नष्ट करना, अनाज को खा जाना और खेतों में लगे फसलों को बर्बाद करना, और इसी डर से ग्रामीण रात भर जागने को मजबूर हैं। हाथियों को भगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये हाथी टस से मस नहीं हुए। हालांकि वन विभाग को भी इसकी जानकारी दे दी गई है, वन विभाग की टीम भी मौजूद है यहाँ पर, हाथियों को भगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये हाथी भागने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जाहिर तौर पर इन हाथियों को भगाना बेहद जरूरी है जंगलों की तरफ, ताकि किसी अप्रिय घटना को अंजाम ये ना दे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।